लैपटॉप की बैटरी गाइस यहाँ पे जल्दी से डिस्चार्ज हो जाती है यहाँ पे प्रॉपर तरीके से लैपटॉप आपका चार्ज नहीं हो पाता आप जैसे चार्ज पे रखोगे लैपटॉप तो ही आप इसे यूज कर पाओगे अपना लैपटॉप को तो ये दिक्कत गाइस आपके ओल्ड लैपटॉप में आपको यहाँ पे मिलेगी तो आपको यहाँ पे रिप्लेसमेंट कर लेनी अपनी बैटरी तो गाइज मैंने कैसे अपनी बैटरी रिप्लेसमेंट यहाँ पे की थी आप कैसे कर सकते हो तो सारी इन्फॉर्मेशन गाइस इस वीडियो में आपको यहाँ पे मिलने वाली है इस वीडियो देखने के बाद आपके ऑल डाउट्स क्लियर हो जाएंगे तो मेक श्योर मेक्श्य इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना सो so भाइयों यहाँ पे कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है ये मेरे खुद के जो फीडबैक आपके साथ यहाँ पे मैं शेयर करने वाला हूँ टेची स्टोर वेबसाइट है करके ऑनलाइन आपको यहाँ पे मिल जाएगी आपको सर्च कर देने गूगल में तो यहाँ पे इनके पास सारे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं जैसे लैपटॉप की बैटरी चार्जर एडेप्टर खराब हो चुका है आपका नेटवर्क या फिर कोई आपको राउटर्स वगैरह चाहिए यूएस चाहिए आपको सारे डिवाइस यहाँ पे मिल जाएंगे तो कैसे यहाँ पे मैंने इसे मंगाया था तो आपको सबसे पहले आपके लैपटॉप में यहाँ पे बैटरी हेल्थ को चेक कर लेना है कैसे कर सकते हो सीएमडी आपको यहाँ पे टाइप कर देना है सीएमडी टाइप करते आपके सामने कमांड प्रो आएगा एक कमांड आपको यहाँ पे टाइप करनी है आपके सामने एक एस फाइल आ जाएगी तो एस फाइल को कैसे यहाँ पे आपको ओपन कर लेना है आपके ब्राउजर में या फिर दिस माई पीसी में आप यहाँ पे ओपन कर सकते हो ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हो चार्जिंग लिमिट कितनी है यहाँ पे सारी रिपोर्ट आ जाएगी अगर रिपोर्ट आपकी मैच नहीं कर रही है अपनी बैटरी हेल्थ के साथ तो गाइज आपको यहाँ पे बैटरी चेंज करनी होगी तो कैसे कर सकते हो गाइज आपको सबसे पहले यहाँ पे वेबसाइट को विजिट करना है टेची स्टोर डॉट इन करके तो यहाँ पे आपको बैटरी का या, यहाँ के पे एक सेक्शन मिलेगा बैटरी रिप्लेसमेंट करके तो वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है वहां पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे अपने मॉडल नंबर डाल देना है अपने लैपटॉप का बैटरी का आपको आप जैसे बैटरी यहाँ पे रिमूव करेंगे आपके बैक साइड में आपको सीरियल नंबर मिल जाएगा सीरियल नंबर क्या है मॉडल नंबर क्या है तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हो तो इनका एक सपोर्ट रहता है व्हाट्सअप पे आपको नीचे एक आइकॉन मिलेगा तो यहाँ पे इनके जो असिस्टेंट रहते हैं सपोर्ट टीम आपको यहाँ पे पूरी तरीके से हेल्प करेंगे जैसे मेरी हेल्प की थी इन्होंने तो आपको तो आपसे यहाँ पे पूछा जाता है आपका लैपटॉप का मॉडल अगर आपको लैपटॉप का मॉडल आपको नहीं मालूम होगा तो आपको बैटरी रिमूव करनी है केयरफुली बैटरी रिमूव करने के बाद आपको यहाँ पे उनको फोटो भेज देना है बैटरी का जो बैक साइड की बैटरी का जो सीरियल नंबर वगैरह रहता था वो एकदम क्लियर इमेज उनके पास जानी चाहिए अगर इमेज क्लियर नहीं होगी तो आपके डाउट्स यहाँ पे रह जाएंगे वो भी आपके डाउट्स क्लियर नहीं कर पाएंगे तो आपको यहाँ पे इमेज क्लियर भेज देनी जैसे यहाँ पे मैंने भेजी थी जैसे आप यहाँ पे इमेज भेजोगे आपके सामने ये लोग आगे से एक लिंक प्रोवाइड करेंगे क्या भाई आपको यही लेनी है तो ये आपके लैपटॉप के लिए सुटेबल हो सकती है तो क्या यहाँ पे मैंने भी इसी लिंक पे आपको क्लिक करना है इनके वेबसाइट पे आप रीडायरेक्ट हो जाओगे रीडायरेक्ट होने के बाद आपको यहाँ पे पेमेंट मेथड यूज़ कर लेना है ऑनलाइन आप यहाँ पे पे करोगे तो आपको यहाँ पे अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा पचास से सौ रुपए तक का लेकिन आप यहाँ पे ऑफलाइन बाय करोगे तो आपको यहाँ पे फिफ्टी रुपीज़ का चार्ज लगेगा एक्स्ट्रा तो मैं रिकमेंड करता हूँ तो आपको ऑनलाइन पे करना चाहिए फिफ्टी रुपीज़ का आय को आप यहाँ पे वेस्ट करोगे तो यहाँ पे आप एड्रेस वगैरह यहाँ पे फिल कर देना है या ऑर्डर प्लेस करते ही यहाँ पे आपको 24 फोर आवर्स के अंदर एक कंफर्मेशन मेल आ जाता है या फिर एक एसएमएस आ जाता है कि आपका ऑर्डर हमें रिसीव हो चुका है हम जल्द से जल्द आपके पास यहाँ पे इसे डिलीवर करेंगे तो गैस यहाँ पे ये थर्ड पार्टी मतलब यहाँ पे मुझे ब्लू डार्ट से मिला था तो यहाँ पे शायद से मुझे तीन से चार दिन का टाइम लग गया आई थिंक तीन दिनों का टाइम लग गया लेकिन अच्छी खासी सर्विस भी इनकी थी तो गाय इसकी अनबॉक्सिंग आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ किस प्रकार से आपको यहाँ पे मिलती है तो गाय कुछ इस तरीके से टेची स्टोर करके आपको यहाँ पे स्टिकरिंग मिल जाती है पूरी बॉक्स के ऊपर एक पैकेज मुझे रिसीव हुआ था ऐसे ही इनकी वेबसाइट से यहाँ पे मैंने बाय किया था तो इसकी हम फटाफट से अनबॉक्सिंग कर देते हैं पैकेजिंग तो गाय यहाँ पे अच्छी खासी प्रीमियम वाली मिल जाती है ऊपर इन्होंने पूरा टेप लगाया हुआ है और जो एक्स्ट्रा बबल्स रहते मतलब कुछ सामान यहाँ पे ब्रेक ना हो या फिर कोई भी सामान खराब ना हो अंदर वाला तो पैकेजिंग तो अच्छी थी तो इसे हम ओपन कर लेते फटाफट से तो गाय वीडियो पर नया आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना कुछ इस तरीके से बॉक्स मिल जाता है गाय स्टेची ऊपर आपको यहाँ पे लोगो मिल जाता है इनका लैपटॉप बैटरी करके यहाँ पे लिखा होगा लेफ्ट साइड में भी इनके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हो गए या फिर मोबाइल नंबर कोई भी हेल्प सपोर्ट आपको चाहिए होगा आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो और बैक साइड में क्या यहाँ पे इनके जो एक्सेसरीज़ है जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था लैपटॉप चार्जर हो गया हेडफोन हो गया जैसे कोई नाइफ हो गया लैपटॉप की स्क्रीन हो गया फिर SSD, या फिर कोई एस या फिर कोई पावर बैंक तो यहाँ पे आपको सब मिल जाएंगे तो ये वन ईयर के वारंटी में आती है बैटरी का ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा मतलब आप इसे वन ईयर में कभी भी इसे रिप्लेसमेंट कर सकते हो बट आप देखना चाहते हो इनकी सर्विस कैसी गई तो इसकी सर्विस भी देखना होगा तो ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखना क्योंकि अगर बैटरी इन फ्यूचर खराब हो जाती है तो आप कैसे यहाँ पर रिप्लेसमेंट ले सकते हो इस बैटरी का तो हम सारे प्रोसेस इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं तो बॉक्स के अंदर और एक आपको यहाँ पे बबल्स वाला पैकेट मिल जाता है कुछ इंट्रक्शन लिखा होगा तो बैटरी आपको यहाँ पे केयरफुली लगानी है कोई भी आपको घाई गड़बड़ नहीं करनी है एक बार बैटरी अच्छी तरीके से फिट हो गई बैटरी फिट होने के बाद आपको यहाँ पे इसे ऑन कर देना लैपटॉप लैपटॉप ऑन करने के बाद आपको यहाँ पे चार्जर के साथ कनेक्ट करना है तो क्या यहाँ पे देख सकते हो नई वाले बैटरी यहाँ पे इनकी इनका लोगो मिल जाएगा टेची स्टोर करके लेफ्ट साइड में और यहाँ पे जो वोल्टेज वगैरह कितनी वोल्टेज को ये सपोर्ट करती है और यहाँ पे रिचार्जेबल आयरन पैड मेड इन चाइना कैसे हाँ ये चाइना वाला ब्रांड है लेकिन यहाँ पे ये लोग इंडिया में बेच रहे हैं पूरी तरीके से कैसे यहाँ पे देख सकते हो चाइनीज़ लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं चलो वन ईयर की वारंटी तो है अगर कुछ ख़राब हो जाता हम इसे रिप्लेसमेंट ले, ले लेंगे उनके तरफ से तो चलो सोलह सौ रुपये की ये बैटरी मुझे गिरी थी डेल वेस्ट्रो मेरा लैपटॉप था डेल वेस्ट्रो फिफ्टीन सीरीज़ का तो इसके अंदर हम इसे फिट करने वाले हैं आप यहाँ पे देख सकते हो मेरी ये डेल की बैटरी है फोर्टी वोट का यहाँ पे लिखा है यही फोटो खींच के मैंने इन्हें भेजा था तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि आपको ये बैटरी लेनी चाहिए और यहाँ पे डेल की ये भी बैटरी है लेकिन ये भी मेड इन चाइना लेकिन यहाँ पे जो डिजाइन वगैरह कुछ कोरिया में लिखा था तो दोनों ही बैटरी गैस यहाँ पे सेम वाली है कोई भी फर्क नहीं है थोड़े असेंबल करने वाले ब्रांड थोड़े अलग है हम इसे अपने लैपटॉप के अंदर फिट करके देख लेते हैं क्या प्रॉपर तरीके से फिट होती है कि नहीं क्या हमें इसका रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा और हमको नया बैटरी मंगाना पड़ेगा तो आई होप गाय मुझे लगता है ये बैठ जानी चाहिए तो आप में बैठाने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा प्रेस कर देना है देखना निकलती है क्या हाँ तो ये निकल भी जा जाती है और ये लग भी जा जाती है मतलब ये कैसे ये प्रॉपर तरीके से आपके लैपटॉप मतलब हमारे लैपटॉप के लिए ही बनी हुई है तो चलिए हम इसे ऑन कर ले देख लेते हैं लैपटॉप को पहले लैपटॉप के अंदर बैटरी तो हमने गायजी यहाँ पे फिक्स कर दी है और हमने कनेक्ट कर दिया अपना चार्जर लैपटॉप के साथ तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो लाइट भी यहाँ पे ब्लिंक हो रही है हम इसे ऑन करने जा रहे हैं होपफुली ये ऑन होना चाहिए तो देखिएगा इस चालू होते कि नहीं तो यहाँ पे थोड़ी सी लाइट तो जली गई तो देखते हैं लोगो वगैरह कुछ आता है तो हाँ गाय यहाँ पे दहल का लोगो तो आ चुका गए मतलब ये प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है मतलब ये पूरी तरीके से वर्ती थे एक प्रकार देखना जाए तो मतलब पैसा वसूल हो गया मेरा तो ये प्रॉपर तरीके से चलती है कि नहीं तो इसका हम टेस्टिंग वगैरह भी करेंगे सारे प्रोसेस आपको इस वीडियो में मिलने वाले लगा थोड़ा भी स्कीप मत करना कोई भी पार्ट को फिर से आपको यहाँ पे फिर आप कमेंट करके पूछते रहोगे इस वीडियो को गाय पे प्रॉपर तरीके से फुल देखना तो हम इसे पासवर्ड अगर डाल के हम देख लेते हैं आप बैटरी परसेंटेज कितना है गए सबसे पहले तो कुछ बैटरी परसेंटेज यहाँ पे हमें मिल रहा था 52 परसेंट का तो मतलब ये 52 परसेंट ऑलरेडी चार्ज थी बट यहाँ लोगों ने यहाँ पे बोला है रिकमेंड किया आपको दो से तीन घंटे इसे थोड़ा चार्ज कर लेना है फिर जाके इसे यूज़ कर लेना है तो चले गए यहाँ पर हम इसे पूरी तरीके से फुल्ली फुल्ली चार्ज कर लेते तो हमें कम से कम दो एक से डेढ़ घंटा लगा इस तो हमारा जो फुल्ली चार्ज हो गया यहाँ पे सौ टक्का हो चुका है तो इसके हम बैटरी हेल्थ भी देख लेते सबसे पहले तो हमको यहाँ पे हम तो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है सीएमडी कमांड प्रोड पे डालोगे तो आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे कर देना है आपको यहाँ पे एस पे क्लिक कर देना है एस yes, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक कमांड बता देता हूँ कमांड आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है पावर कॉन्फ्लिक्ट स्लैश बैटरी रिपोर्ट एक कमांड आपको यहाँ पे टाइप करना है तो आपके सामने आप यहाँ पे देख सकते हो बैटरी लाइफ रिपोर्ट यहाँ पे आपका सेव हो चुका है कहाँ सेव हो चुका है फाइल का पाथ भी यहाँ पे दिया है सी ड्राइव में विंडोज सिस्टम के अंदर और बैटरी रिपोर्ट के अंदर तो भाई इसको आपको ना कॉपी कर लेना है कॉपी करने के बाद तो आपको डायरेक्टली आप फाइल जो दिस पीसी में भी जाके डायरेक्ट सर्च कर सकते हो आपका कोई भी फेवरेट वेब ब्राउज़र आपको यहाँ पे चले जाना है और ऊपर सर्च बार में जैसे आप यहाँ पे कोई गूगल में सर्च करते हो यहाँ पे जो लिखा हुआ है आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है तो पेस्ट करते कर दिया यहाँ पे देख सकते हो बैटरी की रिपोर्ट और यहाँ पे जो इनका जो कैपेसिटी हो गया और जो डिजाइन कैपेसिटी हो गया और फुल्ली चार्ज कैपेसिटी काउंट मतलब दोनों ही सेम आ रहे हैं मतलब ये गाइज ये हमारी नई वाली बैटरी थी तो मॉडल नंबर मैन्युफैक्चर वगैरह भी आप देख सकते हो डेल का ही है और हम पुरानी बैटरी की रिपोर्ट दिखाने जाए गाइस तो यहाँ पे आप देख सकते हो बैटरी का नेम भी देल है और यहाँ पे जो डिजाइन कैपेसिटी गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड सिक्सटी मतलब यहाँ पे कम हो चुकी थी कम से कम ट्वेंटी परसेंट आप इसे बोल सकते हो चाहिए यहाँ पे कम हो चुकी थी जो मैंने पहली बैटरी रिपोर्ट यहाँ पे निकाल के रख ली थी तो आपको भी यही सेम मेथड यूज़ करना है तो आप यहाँ पे आप देख सकते हो तो डिज़ाइन तो जो जूने वाले बैटरी का यहाँ पे दिल नहीं किया था मतलब ये प्रॉपर तरीके से जो यहाँ पे मुझे मिली थी दिल नहीं गया था लेकिन नए वाले बैटरी की बात किया तो यहाँ पे इन्होंने पैनासोनिक का कोई तो पैनोसोनिक वाले ने बैटरी बनाया तो क्या यहाँ पे आप देख सकते हो नई वाले बैटरी की रिपोर्ट यहाँ पे पूरे एक्टिव एक्टिव करके आ रही है कब यहाँ पे हमने चालू किया था कितने देर तक कि हमने इसे चालू किया था क्या क्या एप्लीकेशन यहाँ पे हमने यूज़ किए थे तो सारे टाइम के साथ एक्टिव एट डिजाइन कैपेसिटी एट चार्जिंग एट द फुल चार्ज मतलब चार्ज होने के बाद कितना ऑफ चला ये सारी रिपोर्ट क्या यहाँ पे आपको मिल रही है तो क्या अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस इसका लाइक कर देना अपने अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना उसकी भी लैपटॉप की बैटरी यहाँ पर ख़राब हो चुकी होगी तो